जिंदगी में कोशिश करना कभी भी ना छोड़े, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप हैं हेल्पिंग अभी चैनल पे। सबसे गुजारिश है कि वो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि ये आपको मोटिवेट करने वाली है। स्पेशली ये वीडियो जो है वो वीडियो टीचर्स पे है, शिक्षक पे है, जो कहीं भी इंस्टीट्यूशन में वर्क कर रहे हैं लेकिन वो उतना नहीं कमा पा रहे हैं जो उनको अर्न करना चाहिए था। बहुत ही हार्डली 2-4 हजार रुपया कमाते हैं। तो ये जो वीडियो स्पेशली मैंने बनाया है शिक्षक के ऊपर ही बनाया है, और आपको मोटिवेट इसलिए होगा क्योंकि आज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक शिक्षक है जिनका नाम है रामकृष्ण मौर्य, यूपी से है और ये मैथ्स टीचर है। एम सॉल्यूशन नाम का इनका यूट्यूब चैनल चलता है। करीबन ये 1.5 साल पहले हमारे कॉन्टेक्ट में आए थे, तब से फ्रीलांसिंग की दुनिया में जब ये इन किए। तो ये वीडियो जो है वो शिक्षकों के लिए है जो कि कहीं पर भी हैं, चाहे वो गांव में हैं चाहे शहर में हैं, और वैसे इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं जहां पर एक बहुत कम तनख्वाह पे इनको काम करना पड़ रहा है, काफी मेहनत करनी पड़ती है, ट्यूशन पे उनको रिलाई करना पड़ता है। तो अगर उनके पास स्किल्स है तो एक फ्रीलांसिंग जो प्लेटफॉर्म जो मैंने ये अभी 1.5 साल पहले स्टार्ट किया, तो उसका जो आउटकम है वो आज आप लोग को दिख रहा है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बोलते हैं ना कि आप जो काम करते हो ना आपका काम ही बोलता है। आज आपको मौर्य सर जो है वो आपको बताएंगे अपनी कुछ चीजों के बारे में, बहुत सारे डाउट्स भी हैं, मैं आज कुछ नहीं बोलूंगा। अपवर्क के बारे में क्या है, कुछ सच्चाइयां कुछ गलत फहमियां, बहुत लोग कुछ अफवाह उड़ा देते हैं, तो सर डिटेल करेंगे और उनकी जो मैं अभी दिखाऊंगा आपको वीडियो कंप्लीट देखें, और आई होप कि आपको ये बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा बिकॉज इन्होंने भी काफी संघर्ष किया है तब आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। सही गाइडलाइंस को इन्होंने फॉलो किया और ट्रस्ट मी, विश्वास रखें आप हम पर, बाकी हम तो हैं ही, जितनी कोशिश होगी बन पड़ेगी, मैं करूंगा ऑलवेज, मैं तत्पर रहता हूँ इस चीज के लिए। तो विश्वास करें अपने भाई पर, बाकी मैं संभाल लूंगा। एक चीज मैं और बोलूंगा, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। अपवर्क पर कितने रुपए महीने कमाया जा सकता है? अपवर्क एक जेन्युइन साइट है कि नहीं है? क्या अपवर्क पर जॉब मिलती है कि नहीं मिलती है? अपवर्क पर भरोसा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? आज आपको इस वीडियो के अंतर्गत मैं इन सारे सवालों का जवाब दूंगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रामकिशन मौर्य, मैं यूपी के गोरखपुर जिले से बिलोंग करता हूँ और मैं प्रोफेशन से मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, जो 9वीं से लेकर के 12वीं तक के स्टूडेंट को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। बात यह है कि आज के 3 साल पहले मैं भी आप ही लोगों की तरह इंटरनेट पर ऑनलाइन जॉब करने के लिए सर्च किया करता था और मुझे कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर कोई भी काम नहीं मिल पाता था, लेकिन फिर भी मन के अंदर एक जुनून था कि कहीं ना कहीं एक दिन अच्छी वेबसाइट मिल जाएगी और मुझे काम मिल जाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं सर्च करता रहा। एक दिन अभिषेक सर की वीडियो देखा और उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया वीडियो में और upwork.com के बारे में बताया। मैंने उनकी वीडियो को फॉलो किया और उनकी प्लेलिस्ट में जाकर के उनकी और भी वीडियो को फॉलो किया और उन्होंने भी मुझे वीडियो के माध्यम से कमेंट में जवाब देने के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप मुझे गाइड किया और मैंने अपवर्क पर प्रोफाइल बनाया। प्रोफाइल को मैंने किसी तरीके से 100% कंप्लीट किया और प्रपोजल डालता रहा जॉब पाने के लिए। और शायद आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 100% प्रोफाइल बना लिए होंगे और प्रपोजल डालते होंगे लेकिन जॉब नहीं मिलती होगी। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मैं भी यहाँ प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद मैं कंटिन्यू प्रपोजल, डेली 2 प्रपोजल या 3 प्रपोजल मैं डालता रहा और अंत में मुझे जॉब मिल ही गई। और मुझे क्या जॉब मिली, जो स्किल मैंने उसके अंतर्गत डाला था। वैसे मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ तो मैं मैथमेटिक्स के बारे में अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैंने अपनी प्रोफाइल के अंदर इस चीज़ के बारे में भी मेंशन किया था कि मैथमेटिक्स टीचर, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर, तो मैंने इस चीज़ को भी मेंशन किया था। तो मैंने मैथमेटिक्स से संबंधित ही एक जॉब को प्रपोजल के रूप में डाला था। तो वहाँ पर मैं
उसको भूल गया था कि मैंने किसी ऐसी जॉब के लिए प्रपोजल डाला था, क्योंकि प्रपोजल डालने के बाद किसी का रिप्लाई आता ही नहीं था, तो थोड़ा सा मन में नेगेटिव भावना आती थी। लेकिन एक दिन मुझे अपवर्क पर एक मैसेज आता है और उसमें डायरेक्ट मुझे ऑफ़र आ जाता है, और ऑफ़र देख करके मैं खुशी के मारे झूम उठता हूँ और अभिषेक सर को फ़ोन करता हूँ, उनसे मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। उन्होंने कहा कि आपके स्किल के अनुसार है, यदि आप उसे कर सकते हैं तो आप ऑफ़र एक्सेप्ट कीजिए और काम शुरू कीजिए। मैंने काम शुरू कर दिया आज के 2 साल पहले, सन 2017 में मार्च महीने में मैंने काम शुरू किया था। और काम क्या था, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना था। क्या चीज़ था वो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था। क्लास 9वीं से लेकर के 12वीं तक के स्टूडेंट का जो मैथमेटिक्स होता है उसका क्वेश्चन हमें हिंदी में ट्रांसलेट करके देना होता है। उसका मुझे आवरली जॉब के रूप में जॉब मिला था, उसका मुझे $5 प्रति घंटे के हिसाब से पेमेंट अपवर्क मुझे देता था। और मैं उस जॉब को कंटिन्यू करता गया, करते करते लगभग 6 मंथ तक तो मैं डेली 6 आवर, 7 आवर, 4 आवर, 5 आवर डेली करता था, जैसे मुझे मिलता था समय सुबह में और शाम में, क्योंकि मैं दिन में स्कूल में पढ़ाता था 10 बजे से 4 बजे तक, बाकी जो इवनिंग टाइम है और मॉर्निंग टाइम है मैं 3 घंटा 4 घंटा शाम को और 1-2 घंटा सुबह में वर्क करके मैं $5 प्रति घंटे के हिसाब से अर्न करता था पिछले 2 साल पहले। उसके बाद बीच में कभी कभी वो काम आता था तो वो काम मैं करता जाता था, लेकिन उस क्लाइंट का जो जॉब है मैं तब से लेकर के अब तक कर रहा हूँ। बीच बीच में उस क्लाइंट के द्वारा मुझे काम आ जाता है, क्वेश्चन आ जाते हैं जो हिंदी में ट्रांसलेट करने होते हैं। तो एक चीज़ मैं आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा, यदि आपको किसी भी क्लाइंट का काम मिलता है तो आप लोग उसके साथ बने रहिए, तब तक बने रहिए जब तक वो क्लाइंट स्वयं ना आपको क्या नाम है उस जॉब से डिसमिस करें। यानी जब तक आप क्लाइंट के साथ बने हैं कोशिश कीजिए कि हमेशा बने रहिए, कभी भी अपनी तरफ से उसको छोड़ने के लिए मत कोशिश कीजिए, क्योंकि आप उसके साथ बने रहेंगे तो हमेशा वो काम आपको देता जाएगा, आपको काम ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको प्रपोजल डालना नहीं पड़ेगा, आपको उसी में वो कुछ ना कुछ देता रहेगा। मेरे साथ भी इसी तरीके से हुआ, मैं पिछले 2 साल से लेकर के अब तक उसी जॉब को कर रहा हूँ। और इस समय पिछले महीने में यदि देखा जाए तो लास्ट में मैंने बहुत सा पैसा अर्न किया है, बहुत सारी इनकम किया मैंने। मैं आपको प्रूफ के रूप में दिखा दूंगा कि मैंने पर डे कितने आवर वर्क किया और कितने डॉलर पर डे मैंने अर्न किया है, और राउंड फिगर में देखा जाए तो मेरी मंथली इनकम कितनी हो गई है। बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि अपवर्क ये जेन्युइन साइट है कि नहीं है। मैंने इस वीडियो के शुरू में भी बताया है कि आपको मैं इन सारे सवालों का जवाब वीडियो के लास्ट में दूंगा। पहला क्वेश्चन था कि अपवर्क पर कितने रुपए महीना कमाया जा सकता है, तो इसका जवाब है नो लिमिट, कोई सीमा नहीं है कि आप अपवर्क पर कितना रुपया महीना कमा सकते हैं। आपको यदि अच्छे क्लाइंट मिल जाते हैं, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, तो आप 20,000 पर मंथ की बजाय आप 2 लाख पर मंथ भी इनकम यहाँ पर कर सकते हो, ये मेरा दावा है। आपको अच्छे क्लाइंट मिल जाते हैं, आपकी स्किल अच्छी है, तो आप उसके अनुसार से आप अनलिमिटेड इनकम कर सकते हो। अभी भी मैं अपवर्क को फुल टाइम नहीं करता हूँ, पार्ट टाइम ही करता हूँ, क्योंकि अभी भी मैं दिन में स्कूल में 10 to 4 PM स्कूल में पढ़ाता हूँ, उसके बाद घर आता हूँ, थोड़ा सा आराम आराम करने के बाद तब अपवर्क पे मैं काम करता हूँ। आप लोग इसे शुरुआत में फुल टाइम न ले करके पार्ट टाइम ही लीजिएगा, उसके बाद जैसे जैसे आपको क्लाइंट के माध्यम से काम मिलते जाएंगे, नई नई जॉब आपको मिलती जाएगी, उसके बाद आप इसे फुल टाइम एज ए करियर ले सकते हैं। जो भी इसे फुल टाइम कर रहा है वो बहुत ही अच्छी इनकम कर रहा है, मैं उसके बारे में बता नहीं सकता हूँ कि जो फुल टाइम करियर के रूप में अपना लिए हैं वो कितनी इनकम कर रहे हैं, इसका कोई अंदाज़ा नहीं मुझे। कोई अंदाज़ा न होने का मतलब हुआ कि अनलिमिटेड इनकम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है अपवर्क एक जेन्युइन साइट नहीं है, अपवर्क एक फेक साइट है, तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं, अपना एक्सपीरियंस अपवर्क के साथ जो रहा मैं उसको आपके बीच में शेयर कर दूं। अपवर्क एक जेन्युइन साइट है और 100% जेन्युइन साइट मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि आप सोच लीजिए कि जो वेबसाइट, सबसे बड़ी बात यह है कि जो वेबसाइट जेन्युइन होती है वह अपने साथ जुड़ने के लिए, अपने साथ ज्वाइन करने के लिए
पेमेंट नहीं लेती है। अपवर्क पर जुड़ने के लिए, अपवर्क पर काम करने के लिए, प्रोफाइल बनाने के लिए एक भी रुपया आपको देना नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात क्या कि आप अपवर्क पर काम करने के लिए जब आप प्रोफाइल बनाते हो तो अपवर्क आपसे आपकी स्किल का टेस्ट भी लेता है। यानी सोच लीजिए, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में होता है, आपको कोई जॉब करना है तो उसके पहले आपका उसका टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद उसमें पास होंगे, आपका अच्छा रैंक आएगा, तब जा कर के आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो सेम प्रोसेस अपवर्क भी पर भी है। ये मान कर चलिए कि आप अपने स्किल में अच्छे मार्क लाएंगे, इंग्लिश टेस्ट में अच्छे मार्क लाएंगे, तो आपको अपवर्क पर जल्दी से जल्दी जॉब मिलेगी। ये इसका प्लस पॉइंट है। इस नाते अपवर्क एक फेक वेबसाइट नहीं है, एक जेन्युइन वेबसाइट है। दूसरी चीज़ है कि जब आप प्रोफाइल बनाते हो तो आपका बहुत सारा वर्क एक्सपीरियंस, पिछले वर्षों में कहाँ कहाँ काम किए, कितने वर्ष तक काम किए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका सर्टिफिकेट क्या है, इन सारी चीज़ों को अपवर्क अपने प्रोफाइल में आपसे अपलोड करवाता है। तो इन सारी चीज़ों को मिला जुला के देखा जाए तो जहाँ पर लीगल वर्क होगा वहीं पर ये सारा प्रोसेस होगा, और जहाँ पर अनलीगल वर्क होता है, जो वेबसाइट अनलीगल होती है, उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं। बस आप जुड़ जाओ, आप पैसे दे दो, आप धोखे में रहो, मतलब आप डार्क में रहो, आपके साथ किसी न किसी दिन धोखा किया ही जाएगा। तो अपवर्क के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपवर्क के साथ जुड़िए, बिल्कुल संकोच जुड़िए और पॉजिटिव वे में जुड़िए, पॉजिटिव होकर जुड़िए। जितना भी आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना ही पेशेंस रखेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। हमारा अगला सवाल था आपका कि अपवर्क पर भरोसा कैसे किया जाए। बिल्कुल आप भरोसा अपवर्क पर कर सकते हैं, यदि आप अपवर्क के रूल्स रेगुलेशन को, उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को फॉलो करते हैं तो अपवर्क के द्वारा आपको ज़रूर कहीं ना कहीं जॉब मिलेगा। और जब एक बार दो बार आपको जॉब मिल जाएगा तो हमेशा मिलता ही रहेगा, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूँ कि मैं जब शुरू में प्रपोजल डालता था तो मुझे कोई रिप्लाई नहीं आता था। मैं लगभग 3 महीने 3.5 महीने बाद जॉब पाया था। जॉब करते करते आज मुझे 2-2.5 साल होने वाले हैं, और अब क्या होता, मैं उस जॉब को करता रहता हूँ, मुझे दूसरी जॉब पर प्रपोजल डालने के लिए टाइम ही नहीं है, क्योंकि मैं स्कूल में टीचर हूँ, स्कूल में टीचिंग करता हूँ, उसके बाद अपवर्क जो जॉब मिली है उसको करता हूँ, उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं रह जाता कि मैं अन्य कोई काम करूं। इस नाते मेरे पास तो टाइम नहीं, लेकिन फिर भी कुछ नए क्लाइंट ऐसे हैं जो मुझे अपने पास से स्वयं मैसेज करते हैं। मैं उनके जॉब पर प्रपोजल नहीं डाला रहता हूं, लेकिन वो खुद मैसेज करते हैं कि आप मेरे जॉब को करने के लिए मुझे प्रपोजल डालो। सोच लीजिए कि अपवर्क पर आपका यदि अच्छा, मतलब अच्छा स्टेटस बन गया, आपने 2-1.5 साल अपवर्क को दे दिया, आप 100+ आवर अपवर्क पर वर्क कर चुके हैं या 4-5 जॉब कर चुके हैं, तो अपवर्क पर आपका एक एक्सपीरियंस होल्डर के रूप में प्रोफाइल मान लिया जाता है। तो जो एक्सपीरियंस होल्डर हो जाते हैं, उनको कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो नए लोगों को काम नहीं देना चाहते, वो चाहते हैं कि मुझे कोई एक्सपीरियंस होल्डर मिले जो इस काम को अच्छे तरीके से करे। तो पुराना होने के बाद आपको कुछ क्लाइंट स्वयं आपको मैसेज करेंगे और आपको स्वयं जॉब देने की कोशिश करेंगे, और आप एक्टिव रहेंगे तो आप उसे भी ले लेंगे।